सो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Vivo Y56 5G मोबाइल में ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। यानी दोस्तों, किसी भी ऐप में आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर सिक्योरिटी का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर प्राइवेसी ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, जो प्राइवेसी पासवर्ड आपने अपने मोबाइल में बनाकर रखा है वो डाल दीजिए। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप यहां से बना लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही सेट करके रखा है, तो मैं दोस्तों यहां से डाल देता हूं। उसके बाद दोस्तों, यहां पर देखिए ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पर सारी ऐप आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जिस ऐप में आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है वो ऐप यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं फेसबुक को सिलेक्ट कर लेता हूं और दोस्तों यहां से प्ले स्टोर को सिलेक्ट कर लेता हूं। इन दोनों ऐपों में फिंगरप्रिंट लॉक लगेगा, कैसे लगेगा अब आपको बैक आ जाना है। एक बार और बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहां पर फिंगरप्रिंट का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा, फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक है वो दोस्तों स्क्रीन लॉक आप डाल दीजिए। उसके बाद यहां पर फिंगरप्रिंट अगर ऐड आपके मोबाइल में नहीं है तो दोस्तों आप फिंगरप्रिंट ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहां पर प्राइवेसी ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, इस टिक को आपको इनेबल करना है। उसके बाद दोस्तों, जो प्राइवेसी पासवर्ड है एक बार यहां से दोस्तों कंफर्म कर दीजिए। बस आपके मोबाइल में जो है ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। प्ले स्टोर में लगाया था, प्ले स्टोर पर मैंने क्लिक किया। अब यहां पर दोस्तों देखिए फिंगरप्रिंट मांग रहा है। तो जैसे ही दोस्तों आप फिंगर लगाओगे तुरंत दोस्तों प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, यानी जिस ऐप में आप फिंगरप्रिंट लॉक लगाओगे वो ऐप ओपन हो जाएगी। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें।